हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ हमारी गाड़ी के साथ भी ऐसा होगा। मिडिल डंडा ऊपर चढ़ा, वो शख्स था वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा, ड्राइवर को बोलता है कि जितनी भी सवारी है उनको नीचे उतारो। ड्राइवर ने ये भांप लिया कि ये मिडिल डंडा है। जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर उसने क्या किया, उसके सर के ऊपर गोली मारी और वो ढेर कर दिया। फिर कंडक्टर ने क्या किया, स्टेयरिंग को संभाला। जैसे ही कंडक्टर ने स्टेयरिंग को संभाला तो उस शख्स ने जो मिडिल डंडा था उसने क्या किया, कंडक्टर को भी 3-4 गोली धाक दी और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद फिर गाड़ी जो है संतुलन खो गई और खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले से देश स्तब्ध है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर रही हैं और केस की परतें लगातार खुल रही हैं। कितनी मौतें हुई, कितने लोग घायल हैं, हमले को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या रहे, ये सारी जानकारियां आ चुकी हैं। हमला 9 जून को हुआ था, जिस दिन देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। ये वीडियो हम 11 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में राजस्थान के एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। 30 साल की पूजा सैनी और उनका 2 साल का बेटा लिवांश दोनों इस हमले में मारे गए। उनके चाचा चाची भी इस हमले में मारे गए। मरने वाले दंपति के 3 बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए हैं। परिवार राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, मगर सिर्फ राजस्थान के ही तीर्थयात्री इसमें शामिल नहीं थे। मरने वालों में यूपी के बलरामपुर जिले से आए 2 ममेरे भाई बहन भी शामिल हैं। सातवीं में पढ़ने वाला अनुराग वर्मा और उनकी ममेरी बहन रूबी जो ग्रेजुएशन कर रही थी, दोनों की जान इस हमले में चली गई। इस आतंकी हमले में घायल होने वाले कई यात्री गोंडा के भी हैं। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा ने जानकारी दी कि हमले में गोंडा जिले के एक ही परिवार के 8 सदस्य घायल हुए हैं। यूपी के ही गोरखपुर से भी 17 लोग वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पर निकले थे, उस बस में ये लोग भी सवार थे, इसलिए घायलों में कुछ गोरखपुर से भी हैं। घटना के दिन की बात करें तो 9 जून की शाम एक बस तीर्थ यात्रियों को ले जा रही थी जम्मू के कटरा के पास शिव खोड़ी धाम। श्रद्धालु वहीं गए थे। वहां से लौटते वक्त एक बस रियासी जिले की ओर जा रही थी। इस दौरान उस बस पर फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग से बचने के लिए बस ड्राइवर ने तेजी से बस निकालने की कोशिश की, लेकिन खुद ड्राइवर को गोली लग गई और बस नियंत्रण से बाहर हो गई। फिर क्या हुआ, घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दी उस बस बुकिंग कंपनी के मैनेजर ने, जिस कंपनी की वो बस थी। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको उनकी बातों के कुछ अंश सुनवाए थे, अब उनकी पूरी बात सुनिए। कि गाड़ी जैसे रूटीन वर्क जो गाड़ी का था, रोज गाड़ी कटरा से शिवखोड़ी डेली बुकिंग होती थी, डेली जाती थी। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ हमारी गाड़ी के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि कश्मीर में तो हमने सुना था ऐसा होता रहता है, लेकिन ये एरिया सेफ था, लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। जैसे ही वो सुबह गया यहां से, तो हमें कोई 5 बजे यहां कोई पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर कोई गोली चली है। तो हमने सोचा ऐसे ही चली होगी कोई गोली, पता नहीं आपस में चला दी किसी ने। लेकिन जैसे ही थोड़ी हमने छानबीन की तो हमें चला कि नहीं, गोली नहीं, वो भाई मिडिल डंडा ने हमला किया। तो जैसे ही हम छानबीन करते और आगे बढ़े तो हमें ये पता चला कि ड्राइवर जो है, जो गाड़ी के, वही बताते हैं जो गाड़ी के अंदर यात्री थे ना, जब उनके इंटरव्यू लिए गए उन्होंने बताया हमें कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि वो जैसे ही वो गाड़ी मिडिल डंडा ऊपर चढ़ा, वो शख्स था वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा, ड्राइवर को बोलता है कि जितनी भी सवारी है उनको नीचे उतारो। ड्राइवर ने ये भांप लिया कि भाई ये मिडिल डंडा है, तो उसने बोला भाई सवारी जो नीचे नहीं उतरेगी। उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया, जैसे ही उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया उसने उसके ऊपर फायर कर दिया। एक फायर किया उसको तो वो थोड़ा गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन फिर वो गाड़ी चलाता रहा। जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर उसने क्या किया, उसके सर के ऊपर गोली मारी और वो ढेर कर दिया। और जब सर के ऊपर गोली मारी तो वो ढेर हो गया, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। फिर कंडक्टर ने क्या किया, स्टेयरिंग को संभाला। जैसे ही कंडक्टर ने स्टेयरिंग को संभाला तो उस शख्स ने जो मिडिल डंडा था उसने क्या किया, कंडक्टर को भी 3-4 गोली धाक दी और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद फिर गाड़ी जो है संतुलन खो गई और खाई में गिर गई। ज्यादा लोग मर सकते थे अगर ड्राइवर प्रेजेंस में। देखो, अगर वो ड्राइवर उस समय अपना दिमाग जो नहीं चलाता या अपने आप को शहीद के बारे में नहीं सोचता, तो मैं कहता हूँ कि एक भी जो यात्री गाड़ी में सवार था एक भी नहीं बचना था। अब बल्कि गाड़ी को भी हो सकता है जला देते। तो ये तो उसने बहुत एक अच्छा और बड़ा एक अच्छा काम किया और शहीद कर दिया अपने आप को इन 40 लोगों के लिए। फिलहाल जांच का काम चल रहा है और घायलों को इलाज भी दिया जा रहा है। जब से ये घटना हुई है, ललन टॉप आपको इस केस के हर अपडेट लगातार दे रहा है। आगे भी इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये सारी जानकारी मेरे साथी नावेद ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।